कांग्रेस और राहुल गांधी अक्सर कंफ्यूजन में कुछ न कुछ कर जाते हैं। संसद में अडानी को लेकर हंगामा चल ही रहा था कि राहुल गांधी लंदन पहुंच गए और बातें कहीं और पहुंच गई। लंदन से बीजेपी को बड़ा मुद्दा थमाकर राहुल गांधी जब लौट कर आए, संसद का नजारा बदल चुका था। बीजेपी उनसे माफी मांगे जाने की मांग करने लगी। तभी राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी गई, लोकसभा की सदस्यता छिन गई, विपक्ष एक साथ आ गया। देश भर में राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेसी सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी सावरकर को लेकर आ गए। मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। अब बात सावरकर पर पहुंची तो महाराष्ट्र में हंगामा हो गया। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी को चेतावनी दे डाली और उद्धव ठाकरे ने एमवीए छोड़ने की धमकी दे डाली। जब तक कांग्रेस बैकफुट पर आती, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने अपना डीपी बदल दिया। मैं सावरकर हूँ, हम सब सावरकर हैं। सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने FIR की धमकी दे डाली। बीजेपी और शिवसेना ने सावरकर गौरव यात्रा का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी तक जारी है। वो ना तो खुलकर ये कह पा रही है कि सावरकर पर वो कभी बोलेंगे नहीं और ना ही राहुल गांधी। सारी बातें सूत्रों के हवाले से कही और सुनी जा रही हैं कि शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी में इस मुद्दे को उठाया है और राहुल गांधी ने विपक्षी एकता के नाम पर सावरकर की चर्चा से बचने की बात कही। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। महाराष्ट्र के CM और DPCM ने सावरकर के समर्थन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट की DP बदल ली है। उसके बाद बाकी नेताओं ने अपनी DP बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने घोषणा की है कि देश में सावरकर के योगदान का सम्मान करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा उनकी सावरकर आलोचना के जवाब में 30 मार्च को महाराष्ट्र के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जाएगी। एकनाथ शिंदे ने सावरकर के समर्थन में अपने ट्विटर की DP बदलकर उनकी तस्वीर लगा ली। इसके बाद 28 मार्च को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सावरकर जैसे नायकों के कारण देश को आजादी मिली। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, मैं सावरकर पर राहुल गांधी के बयान की निंदा करता हूं। सावरकर के सम्मान में हम प्रदेश के हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा के जरिए शिवसेना शिंदे गुट सावरकर के कामों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएगा। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाएगा जो स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा कि वे राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने वीर सावरकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह माफी मांगने के बजाय इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से भी कहा था कि वह अपने गठबंधन में सहयोगी दल विशेष तौर पर राहुल से सावरकर का अपमान करने के लिए माफी मांगने के लिए कहें। उद्धव ठाकरे जब CM थे तब भी मैंने कांग्रेस के मुखपत्र ने सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उनकी पार्टी MVA में है क्योंकि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि आप एक साथ लड़ना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर के खिलाफ एक भी लाइन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये इस सार्वजनिक मंच पर एक खुली चेतावनी है। पॉलिटिकल स्टंटबाजी एक बात है और नियम दूसरी बात। राहुल गांधी की सदस्यता छिन जाने के बाद जिस तरह कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताकर सरकार और स्पीकर के खिलाफ हमले कर रही हैं, वो महज पॉलिटिकल स्टंटबाजी के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि नियम साफ है, सजा का ऐलान होते ही सदस्यता चली जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन केंद्र सरकार से खुंदक खाई कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां अपने अपने कारणों से हंगामा कर रही हैं। कांग्रेस ने इस मौके को वोट बटोरने का हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन जन समर्थन के अभाव में उसकी प्लानिंग फेल हो गई। इसी वजह से कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने प्रस्ताव का मसौदा भी तैयार कर दिया। जब बारी प्रस्ताव को पेश करने की आई तो उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि अरसे बाद जिस विपक्षी एकता का कांग्रेस भ्रम पाले बैठी है, सबसे पहले उसी के दरकने का खतरा पैदा हो गया। अब काले कपड़े पहनकर कांग्रेस का साथ दे रही कई विपक्षी पार्टियों ने संदेश भेजा कि कांग्रेस का साथ इस मसले पर नहीं देंगे। पत्रकारों की हवा निकालने की बात करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस की हवा पहले ही विपक्ष ने निकाल दी। दूसरी बात ये कि कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है कि उसे अविश्वास प्रस्ताव पर आगे बढ़ना है या नहीं।
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। प्रस्ताव कम से कम 14 दिन पहले सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जब प्रस्ताव लाया जा रहा है तब लोकसभा की कार्यवाही चल रही हो। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद लोकसभा स्पीकर की कार्यवाही के दौरान मौजूद तो रह सकता है लेकिन इसका संचालन नहीं कर सकता। चूंकि संसद का बजट सत्र एक सप्ताह में समाप्त होने वाला है, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। 2020 में 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को हटाने की मांग करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन तत्कालीन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रस्ताव को 14 दिनों के नोटिस की अवधि देना जरूरी है और उचित प्रारूप में नहीं था। इससे पहले स्पीकर को हटाने की मांग करने वाले प्रस्तावों को कम से कम 3 बार लाया गया। पहली बार 1951 में लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ, दूसरी बार 1966 में सरदार हुकम सिंह और तीसरी बार 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद भवन में कुछ मिनटों की मुलाकात, एक प्याली चाय और उद्धव ठाकरे। अब राहुल गांधी के बीच सावरकर को लेकर जारी विचारधारा की नूरा कुश्ती खत्म हो गई है। संजय राउत ने राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि मुद्दा हमारे लिए खत्म हो चुका है। इस बात का अंदाजा तो पहले से ही था कि नतीजा क्या होगा, लेकिन ये साबित करने के लिए कि हमारी विचारधारा की लड़ाई जारी है और हम इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे, इसी वजह से उद्धव ठाकरे कई दिनों तक कांग्रेस से मुंह फिलाए रहे, MBA तोड़ने की धमकी तक दे डाली। लेकिन यही धमकी उन्होंने तब नहीं दी जब वे खुद CM थे और राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तब तो उद्धव ठाकरे ने सावरकर के पोते रणजीत सावरकर से भी मिलने से इनकार कर दिया था। तब संजय राउत ने सामना में कुछ लिखा और बात आई गई हो गई, लेकिन इस बात पर इतना आगे जाने की मजबूरी थी। बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे सत्ता में नहीं है और दूसरी तरफ ये कि एकनाथ शिंदे लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने उस हिंदुत्व से समझौता कर लिया जिसकी नींव पर शिवसेना की इमारत खड़ी हुई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है पहले की तरह, लेकिन दिलचस्प ये है कि अब तक न तो सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी ने यह कहा कि वे सावरकर को लेकर कोई बयान नहीं देंगे और न कांग्रेस ने ही कहा कि उनकी पार्टी सावरकर का सम्मान करेगी। पहले शरद पवार के हवाले से खबर आई कि राहुल अब सावरकर को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे, और अब राहुल गांधी के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद संजय राउत ने मुद्दे के खत्म होने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की इस सियासी लीला को महाराष्ट्र की जनता भी गौर से देख और समझ रही होगी। एकनाथ शिंदे और BJP की सावरकर गौरव यात्रा निकलेगी और दोनों पार्टियों के नेता इस मामले को राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के बीच हुए कथित समझौते के बाद भी धार देते रहेंगे। इसे पहले संजय राउत ने बताया कि मामला सुलझ गया है, मैंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से बात की है। संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा कि हमने 2 दिन पहले सावरकर पर अपनी चिंताओं को उठाया था। हम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ देश में भी विपक्षी एकता है और रहेगी। हमने जो चिंता जाहिर की थी उसका परिणाम हमें मिल गया है। हम आज विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेंगे और संसद में विरोध प्रदर्शन में भी भाग लेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या गांधी ने सावरकर के मुद्दे को फिर से नहीं उठाने का वादा किया था, राउत ने कहा कि हम इसके बारे में और नहीं बोलना चाहते। जैसा कि मैंने कहा, मामला सुलझ गया है। संजय राउत के इस गोलमोल जवाब का मतलब शायद यही है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई पक्का वादा नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा भरोसा दिया होगा कि कोशिश करेंगे। इसलिए संजय राउत से ये पूछा गया कि अगर गांधी फिर से इस मुद्दे को उठाते हैं तो पार्टी का रुख क्या होगा। राउत ने कहा कि अगर राहुल गांधी फिर से इस मुद्दे को उठाते हैं तो हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन हमें विश्वास है कि वे इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। मौत के सौदागर वाले बयान से लेकर हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है तक, कांग्रेस ने PM मोदी के खिलाफ लगातार अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की और रसातल में पहुंच गई। हालत इतनी पस्त हो गई कि आज कांग्रेस को सत्याग्रह करने के लिए लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा। अब तक PM मोदी पर सीधा हमला करने से बचते रहे अरविंद केजरीवाल अचानक हमलावर हो उठे। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कांग्रेस ने जो महफिल सजाई, अरविंद केजरीवाल उसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हो तो ये भी सकता है, और ये भी कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल की हवा खा रहे हों और शराब घोटाले की आंच उन तक पहुंचती दिख रही है। ये सब इससे बचने का तरीका हो सकता है। अरविंद केजरीवाल असल में 2024 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश विपक्ष का चेहरा बनने की है।
कांग्रेस के करीब जाने से पहले उन्होंने 8 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को डिनर पर बुलाया था। ये बात और है कि भगवंत मान को छोड़ कोई नहीं आया। कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा अटैक किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भोपाल से करते हुए केजरीवाल ने पीएम मोदी को अनपढ़ करार दे दिया। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया और पीएम को सबसे भ्रष्टाचारी और अनपढ़ प्रधानमंत्री तक कह दिया। चुनावी रैली और जनसभा के बाद पीएम मोदी पर जुबानी हमले के लिए केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को चुना। हालांकि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र पेश करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान सदन के भाषण में भी केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए उन्हें फिर से अनपढ़ और भ्रष्टाचारी कह दिया। इस दौरान केजरीवाल विधानसभा में एक नहीं बल्कि 5 बार अपने स्पीच के दौरान पीएम मोदी पर सीधा हमला करते नजर आए। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 2024 के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल ली है। केजरीवाल ये अच्छे से जानते हैं कि अगर 2024 में पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देनी है, उन्हें मोदी का नाम लेकर ही बीजेपी को घेरना होगा और तभी बीजेपी विरोधी वोट बैंक पर सेंध मारी जा सकेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में अनपढ़ मोदी के नारे के साथ लोगों के बीच जाना चाहती है, ताकि वो ये अंतर दिखा सके कि मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे तो केजरीवाल हैं और वो देश को बेहतर चला सकते हैं। केजरीवाल इसी वजह से कहते हैं कि अनपढ़ से कोई अधिकारी फाइल साइन करवा ले सकता है और उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया। ये बात और है कि खुद पढ़े लिखे केजरीवाल बिना फाइलों पर साइन किए उपराज्यपाल को भेजते रहे हैं। जब एलजी वीके सक्सेना ने फाइलें लौटाई तो सबसे पहले केजरीवाल ने उन पर आरोप लगा दिया कि देखिए ये काम नहीं करने देते। आखिर में थकार कर फाइल्स पर दस्तखत करके भेजा गया, तब एलजी ने उसे स्वीकार किया। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने से न किसी ने राहुल गांधी को रोका और न मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं को, इसलिए केजरीवाल को भी कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन ये सब करने से पहले उन्हें कांग्रेस का हश्र देख लेना चाहिए कि वो कहां से कहां पहुंच गई है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कई घोटालों में फंसी आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सुकेश चंद्रशेखर बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की धड़कनें तो ईडी ने अपनी चार्जशीट में नाम शामिल कर बढ़ा दी है। लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर का दावा है कि वह अगले सप्ताहों में कुछ सबूत सबके सामने लाने जा रहा है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास मुंह छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। आम आदमी पार्टी को कट्टर करप्ट पार्टी बताते हुए सुकेश ने अपने 3 पन्नों के पत्र में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनके लोग उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुकेश ने लिखा कि केजरीवाल जी, आपके चेहरे पर डर देखकर बहुत संतोष होता है और आप इसे जानते हैं कि सब खत्म हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, कोई अब आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। सब कुछ खत्म हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल जी, मैं आपको और आपके कट्टर करप्ट पार्टनर सत्येंद्र जैन को एक छोटा टीजर दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने मुझसे जो बातचीत की थी, मैं उसे सार्वजनिक कर दूंगा। इसके बाद मैं नहीं जानता कि तुम लोगों को कौन सा चेहरा दिखाना पड़ेगा। दिल्ली की जनता ने आप लोगों पर भरोसा करके आपको वोट दिया और आने वाले सप्ताह में मैं एक टीजर जारी करूंगा। लेटर में सुकेश ने आगे लिखा कि क्या आपको आपके निर्देश पर मेरे द्वारा डिलीवर की गई रकम याद है। उसने केजरीवाल को इस्तीफा देने की मांग करते हुए लिखा कि ये टीजर उनके लिए एक नागासाकी हो सकता है। उसने लिखा कि केजरीवाल जी, आपकी तिहाड़ क्लब की सदस्यता तैयार है, देखते जाइए, सब भाई साहब हैं और मैं आपका भीष्मासुर। जेल में बंद मनीष सिसोदिया को वीवीआईपी की सुविधा कैसे दी जा रही है, इसकी सच्चाई मैं जानता हूं। आपके नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि जेल हमारी है, जेल हमारे प्रशासन में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप क्यों नाटक कर अपना मजाक बना रहे हैं? केजरीवाल जी, आप और आपका गिरोह सत्ता में रहने के लायक नहीं है। मैं वादा करता हूं कि आने वाले सप्ताह में सबूत सबके साथ पर्दाफाश कर दूंगा। मैं आपको और आपके गिरोह को सत्ता के आसन से हिला दूंगा। मेरे परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है। अब आप तैयार रहिए, सबूत खुलकर सामने आएंगे। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।